सिल्ली कार्यक्रम के तहत सिल्ली विधायक सुदेश महतो के निर्देश पर राहे प्रखंड में डोगाल पंचायत प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का सफल आयोजन मंगलवार को संपन्न हुआ। 8 जून से 18 जून तक हुआ लीग मैच का आयोजन, जिसमें 8 टीम लीग मैच के माध्यम से फाइनल मुकाबले तक पहुंची थी। फाइनल मुकाबला बेला और गोमदा टीम के बीच हुआ, जिसमें बेला की टीम 17 रन से विजय हुई। दोनों टीमों को नकद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। मैन ऑफ द सीरीज हरीश कुमार को दिया गया। इसके अलावा बेहतर खेलने वाले 7 खिलाड़ी को पुरस्कृत किया गया। मौके पर प्रभारी बबलू खान, पंचायत समिति प्रतिनिधि सुभाष महतो, राजू कुमार सहित पंचायत के सभी खिलाड़ियों समेत सोना न्यूज का भी सहयोग रहा। आप पूरे खेल का विनर हुए, क्या कहना चाहेंगे? जी, अब बहुत खेल का अच्छा लगा, ग्राउंड अच्छा लगा। यहाँ का जो खेल हरेश भैया द्वारा यहाँ किया गया वो भी बहुत अच्छा लगा। अब युवाओं को जो अभी और भी खिलाड़ी आएंगे आपको देखकर और उत्साहित होते हैं, तो आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अच्छा खेले, अच्छा खेले, खेल के आगे बढ़े। आगे आपका क्या इच्छा है खेल के प्रति? बस हम तो सोच रहे हैं कि खेल के प्रति और आगे बढ़े। कब से खेल करते हैं? ये खेल खेलते हैं? हो गया, मेरा तो पहले दूसरा कुछ खेल खेल रहे थे छोटा छोटा खेल, लेकिन बाद में अभी क्रिकेट में आ गए, हो गया 4-5 साल। आपका टीम का नाम क्या है? पीके डाउन क्लब नेगाडाड़ी बेला। आपका क्या नाम हुआ? बंटी नायक। मैदान में खेलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ग्राउंड है। ग्राउंड अच्छा है? हाँ। कितने टीमों का खेल हुआ था यहाँ? 8 टीमों के बीच। आप लोग क्या, आप टीम में क्या हुए? कैप्टन। कैप्टन, तो आपने मैच जीता या क्या? हाँ, मैच हार के रन अप। यहाँ पर जो खेल का आयोजन हुआ है, कौन सा जगह है और किसके द्वारा ये आयोजन किया गया है? ये ग्राम डोकात पंचायत डोकात की ओर से हम लोग, जिसको DPL नाम दिया, उसका पूरा टूर्नामेंट का फुल नेम है डोकात पंचायत लीग। इस टूर्नामेंट को करने के लिए हम लोग हमारे विधायक जी सुदेश कुमार महतो के सामने बात रखे, तब इस टूर्नामेंट को करने के लिए हमारे बड़े भाई बबलू भैया बहुत सहयोग किए, और सुदेश महतो के कर कमलों द्वारा ये टूर्नामेंट हम लोग बढ़िया ढंग से किए। खेलो सिल्ली के तहत ये खेल का आयोजन हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पर डोकात में भी खेल का आयोजन किए हैं, और खेल कितने टीमों के द्वारा ये खेल हुआ है? ये पूरा डोकात पंचायत के 130 खिलाड़ी भाग लिए। 130 खिलाड़ी? 130 खिलाड़ी भाग लिए, जो प्रत्येक एक IPL की तरह हर गांव का प्लेयर अलग अलग गांव में पार्टिसिपेट कर रहा था। कितना दिन चला ये खेल? ये टूर्नामेंट 8 जून से लेकर आज 18 जून है, तकरीबन 10 दिन स्पष्ट चला ये टूर्नामेंट। आगे भी कोई निर्देश वगैरह मिला है विधायक जी से कि और भी खेलों का आयोजन? विधायक जी से जल्द ही एक निर्देश मिला है, जिसमें राहे प्रखंड लीग का आयोजन होने वाला है, उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यदि हम लोग सब जुआ लड़कों में ये जोश जुनून हुआ तो संभवतः जल्द ही टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। आज यहाँ पर क्रिकेट मैच का आयोजन मतलब समाप्ति हुआ है, 8 जून से ही खेल का ये आयोजन हो रहा था, किन के निर्देश पे हो रहा था और आप कौन? DPL डोकात पंचायत लीग, और काफी अच्छा रहा। डोकात पंचायत के तमाम खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, और आयोजन समिति ने SPL जो सिल्ली का एक प्रमुख प्रीमियर लीग है उसके तर्ज पे पंचायत के तमाम खिलाड़ियों का अलग अलग टीम, अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग टीम से आए, और ये काफी अच्छा देखने को मौका मिला कि ग्रामीण प्रतिभा को आगे ले जाने के लिए आदरणीय सुदेश भैया का एक पहल है खेलो सिल्ली, और उसके तहत DPL का आयोजन हुआ है। और उम्मीद है कि आज जो खिलाड़ी लोग बेहतर कर पाए, जो टीम विजेता बनी है वो विजेता बने हैं, उनके साथ साथ भाग लेने वाले 8 टीमों को माननीय विधायक की ओर से बधाई है कि आप लोगों ने इस खेल का भागीदारी निभाया और बेहतर खेल का परिचय दिए हैं। जीत हार चलता रहेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं ग्रामीण प्रतिभा को आगे ले जाने का ये